23 नवंबर 2017 को मीडिया शिक्षकों के लिए चल रहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पांचवा दिन था। यह कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जनसंचार केंद्र और यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन दिल्ली के रवि गुरिया का यह सत्र सोशल मीडिया के माध्यम से विकास संबंधी मुद्दों को मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रकट करने से लेकर उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबद्ध रहा। सत्र की शुरुआत में रवि गुरिया ने कहा कि आज का दौर सूचना क्रांति का युग है, जहां सूचनाएं सभी के लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं। उनका मानना था, ये जो युग है, एक था कलयुग, है ना, कलयुग था, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जिसको मशीनी युग कहा गया, उसके बाद अब जो युग चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन का युग है, जहां पर इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है। एंड सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोवाइडिंग दैट डिजिटल एनेबलमेंट। आज अगर आप छोटे शहर गांव में जाएंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपके पास आप इंटरनेट पे काम करते हैं, तो कई बार हमारे साथ खुद हुआ है, वो बोलेंगे भाई इंटरनेट क्या होता है। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे भाई फेसबुक में अकाउंट है, तो वो एकदम ऐसे सर मिलाते हैं। आई मीन फेसबुक हैज बिकम सिनोनिमस विद इंटरनेट, फेसबुक ही उनके लिए इंटरनेट है और फेसबुक के थ्रू ही वो लोग सारा का सारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। व्हाट्सएप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। एंड मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन इज एक्चुअली बिकमिंग द मेन डिवाइस, डिजिटल डिवाइस फॉर दैट कम्युनिकेशन। आजकल डेस्कटॉप का जमाना गया, टैबलेट भी इज लिटरली ऑन इट्स वे आउट, लैपटॉप भी लोग कई लोग यूज करते हैं, कई लोग यूज नहीं करते हैं, बट इट इज द मोबाइल फोन विच इज बिकमिंग द न्यू टूल ऑफ एम्पावरमेंट फॉर ऑल द पीपल। एंड वो दिन बहुत दूर नहीं है जब मोबाइल फोन फर्स्ट जो है, मोबाइल फोन विल बिकम द ओनली टूल ऑफ एक्सेसिंग इंटरनेट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में नेट न्यूट्रलिटी के परिदृश्य पर उन्होंने प्रकाश डाला और कहा कि भारत में नेट न्यूट्रलिटी को एक नीति की तरह स्वीकार किया गया है। फेसबुक इंडिया में आया था, राइट, तब उन्होंने एक internet.org करके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, आपको याद है internet.org, उसके बाद उसका नाम उन्होंने कुछ बेसिक फेसबुक कुछ ऐसा रख दिया था उन लोगों ने। internet.org क्या था, internet.org जो प्रोजेक्ट था उसमें यह था कि वो लोग जो रूरल लेवल पे लोगों को जो फेसबुक का जो बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो लोग एक्सेस देंगे, उनको फ्री में एक्सेस देंगे वो लोग, उसके लिए उनको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो उन्होंने जो एक टाइप किया था वो रिलायंस के साथ टाइप किया था, राइट, तो दैट मीन्स कि जो दूसरे सर्विसेज हैं उनको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ फेसबुक के सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा। तो फिर बहुत हंगामा हुआ इंडिया में और लोगों ने बोला कि ये नेट न्यूट्रलिटी नहीं है, तो पूरा एडवोकेसी हुआ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, सबने बहुत हल्ला मचाया और इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी को एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में। सो इंडिया इज यूनिक इन दैट वे, इंडिया में उसको इंप्लीमेंट किया गया, दैट मीन्स इन इंडिया कोई भी इंटरनेट जाइंट, कोई भी इंटरनेट स्टार्टअप किसी भी बेसिस में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल सकता है, वो इंटरनेट वर्ल्ड में वो बराबर है इंडिया में। गुरिया ने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का विस्तार से परिचय दिया। उन्होंने उनकी कार्यप्रणाली को व्यावहारिक दृष्टि से स्पष्ट किया। इस अवसर पर रवि गुरिया ने कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ रोचक ढंग से संवाद किया। उन्होंने हर प्रतिभागी से एक एक वाक्य बुलवाते हुए एक छोटी सी कहानी तैयार करवाई। इस स्टोरी फॉर्मिंग सेशन के माध्यम से उन्होंने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट जेनरेशन की प्रक्रिया के प्रभाव को भी समझाया। कम्युनिकेशन, सी, दिस इज कम्युनिकेशन। पुलिस ऑफिसर केम एंड आस्क्ड द आईडी प्रूफ। अंजलि क्विकली टेक्स आउट हर आधार कार्ड।
Lajli takes out an Aadhaar card. Quickly. But that man was the same policeman. The man was the same policeman. The Aadhaar card was fake. Aadhaar was fake, yes. And so suddenly she realizes that she's been dreaming all the while. She's been dreaming all the while. And she felt that the man whom she saw as a terrorist had been her friend some time ago. Okay, he was a friend. Okay. Quickly. Jaldi. Meri ko raan kya hoga? Just go there, samjho. Wo to unka friend tha. So tha. To wo surprise hua. Friend the terrorist kaise sab idhar. Ha? Koi to hai koi. Ha. Kahani ka. Ha. Wo dost hai. So she was surprised. Okay. Suddenly there was a loud blast behind her. Loud blast. Action. Suddenly a shirt came and hit her on a boy. Oh. Okay. Last one, the foot's not. A small piece of bomb came and it hit her on a boy. Then it became an exclusive news and lot of news then. It became an exclusive news. Terrorism. Hospital is here. Quickly. Hospital is doctor news. Story point of that. Hospital is here. Hospital is Make it interesting. Okay. She should be shifted to Mumbai. Yes, sir. No facilities available in that. She's interned to that. So there is no facility. No facilities in Bombay. No facility to take her to Mumbai. Yeah. Oh, no facility to take her to Mumbai. Okay, yes, sir. Yes, sir. You connect what he is saying. No facilities to take him. So, social media is about creating content on the go. You know, we don't have much time. We saw something, if we don't post it immediately, it will lose its relevance. Okay, so aapne quickly dekha, 5-6 photograph peeche, cut story banaya, post kar diya. That's what social media is. यह सत्र मीडिया शिक्षकों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और रोमांचक रहा, जिसने सभी शिक्षकों को रचनात्मक तरीकों से अपनी बात रखने के गुर सिखाए। इससे पूर्व 22 नवंबर 2017 को सभी प्रतिभागियों ने एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। क्योंकि आगे भाग रहा है, पीछे उसके दूसरा भाग रहा है। सर क्या बात हो गई? उसकी अपनी गलती सुना थी, मेरी नहीं सुन रहा है। इस दौर से वो हमारे मोहल्ले में आ गए। क्या बात थी? क्या तो कभी रहता है क्या? या कवित्री बने जी नहीं शरीफों का मोहल्ला कुछ मिल भी ले और कसक भी रहे यूं साथ निभाना अच्छा है कुछ मिल भी ले और कसक भी रहे
यू साथ निभाना अच्छा है, ओढ़कर प्यार की साची चादर, ओढ़कर प्यार की साची चादर, दुनिया को भुलाना अच्छा है। अच्छा, मुझे छोड़ दो वहां तक। ठीक है, क्लास के बाद मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हें शॉपिंग ले चलूंगा। उसका जी बहुत आधार है मेरे को, कार्ड की जरूरत क्यों है? Wonderful feeling, I suppose. Most wonderful feeling in the world. Sir wrote it something like, I said, when I'm reading, I'm thinking about it. When I'm not reading, I'm thinking about it. When I'm thinking a class, I'm thinking about it. अर्ज किया है, इस चिलवन से तुम झांको, उस चिलवन से हम झांके, अरमिया इस चिलवन से हम झांके, उस चिलवन से तुम झांको, इस चिलवन से हम झांके, उस चिलवन से तुम झांको। तुम्हारी रसते की धूल लेकर मांग अपनी सदा भरूं, सारी रात तेरी तक दिया तारे अब कुछ जगवे कि वे होइया मैं तेरे नहीं तो इन सारे तू कुछ जगवे, सारी रात तेरी तक दिया तारे आप कुछ जन रे, आधी आधी रात हुए ब्योरी ते खड़ौलिया हाय मैं खड़ौलिया, तारे गिन गिन इस रात नु बितौनिया हाय मैं बितौनिया, नाले लै दिया लंबे लंबे सा तारे आप कुछ जन रे, किवें होइया मैं तेरे लई दबा इना सारिया तू कुछ चले, सारी रात तेरी तक दिया तारिया तू कुछ चले। फिर याद है कैसे तीन चार अपने झुंड में आकर हमको देखने पर रखने लगे, हम पर बहस करने लगे। साहित्य उस पल की याद में काफी उत्साहित हो चुका था, और वैसे तो मेरे उत्तर में कई भाई लोग हैं और तुम्हारे दफ्तर में, लेकिन यार एक दूसरे की टांग खिंचाई कर इन विचारों से ने हमारी जो दोस्ती कराई तुम्हें प्यारी नहीं? संगीत झट से साहित्य के गले लग गया। मैंने ये हिसाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा, मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। सागर किनारे जागे नजारे, जागी हवाए जब प्यार जाता जाने की जाए, पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है, सागर किनारे। जाता
spare a look or thought, no matter what I do or happens to me. तुमसे प्यार कितना सुना गम जुदाई कम उठाते हैं लोग उमर रवा मैं जासा उगत गजनी उमर रवा मैं जासा आगे सुन्धा बैनाए आमी नाराए लोहीनु ए बारे तुमी ओ बारे भाषा रे थोड़ी लड़की से शादी करूंगा। ये हमारे रिलेशन में आती जाती थी तो हम आपस में बात करके छोटे भाई से मैंने कहा कि भाई ये इस लड़की से शादी करा दे मैं और करीब 6 महीने 7 महीने सगाई रही। उस दौरान में हमने काफी प्रेम पत्र लिखे। सांस्कृतिक संध्या गीत संगीत व नृत्य से एक स्मरणीय शाम बन गई। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में चुना कैसा मेरी कसम जो लहराती नगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले